उत्तर प्रदेश का विधानसभा 2022 का चुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए चुनौतीपूर्ण बन रहा है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जहां विपक्ष भाजपा के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं भाजपा भी अपने सभी सवालों के जवाबों का खंडन बेबाकी से कर रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं सीतापुर जिले के बिस्वा क्षेत्र के विधायक महेंद्र सिंह यादव जी। महेंद्र जी, सबसे तो पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। महेंद्र जी, तकरीबन 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इन 5 साल के कार्यकाल में आप अपने को अपने क्षेत्र को और अपने आप को क्षेत्र में किस प्रकार देखते हैं और क्या क्या उपलब्ध रही हैं? देखिए सुनील जी, इस देश में मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सिर्फ एक ही नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। जनता ने इस पे विश्वास किया था और जनता के विश्वास का ही ये कारण था कि 19 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में। और वो नारा मोदी जी ने चरितार्थ किया है अपने कार्यों के द्वारा। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान और झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान का जितना विकास मोदी जी ने किया है, मोदी जी की सरकार में हुआ है, उतना ना इसके पहले कभी हुआ है और मुझे लगता नहीं कि भविष्य में कभी देखने को मिलेगा। विधायक जी, विपक्ष का आरोप चल रहा है, लगातार लगा रहे हैं कि आपके क्षेत्र में काम ना के बराबर हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? मेरे क्षेत्र से मतलब आपका क्या, मेरी विधानसभा क्षेत्र से जी। मैं आपको बताऊं कि मैंने वो विकास के कार्य किए हैं जी। जो विरोधी दल वादा करके जिनके नाम पे वोट मांग लेते थे जी। और उसके बाद ना उनको कभी पूरा करने का काम किया और ना ही कभी दोबारा उनके काम के बारे में चर्चा की। मैंने अपने बिस्वा विधानसभा में केवानी नदी पे ताजपुर सलोली गांव पड़ता है, जब अपने चुनाव में वोट मांगने में 17 में गया था तो लोगों ने मुझको दिखाया कि लकड़ी का बांस बल्ली का पुल बनाए थे और उससे लोग नदी पार करके अपने खेती किसानी का काम करने जाते थे। आज वहाँ पे वह पुल बन के तैयार है, पहुँच मार्ग जिस दिन बन जाएगा उस दिन वो पुल चालू हो जाएगा और ये पिछले 70 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ तब से गांव वालों की लगातार डिमांड थी। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे बिस्वा विधानसभा में बिस्वा नगर में ये जो आपकी सीतापुर बुढ़वल रेलखंड है इसकी 2 क्रॉसिंग पड़ती है, एक बिस्वा सिदौली रोड पे और एक बिस्वा सीतापुर रोड पे। दोनों क्रॉसिंग पे भयंकर जाम लगता है और जब से चालारी घाट का पुल चालू हो गया है तब से बिस्वा सिदौली रोड पे तो निकलना मुश्किल हो गया है आम आदमी का। कभी कभार तो घंटों जाम लग जाता है और ख़ासकर तब जब ये चीनी मिल चालू हो जाती, क्योंकि चीनी मिल भी हमारी जो है बिस्वा की उसी क्रॉसिंग के पास में स्थित है। मैं आपको सुनील जी बताना चाहता हूँ कि मैंने विधायक बनने के बाद लगातार प्रयास करना शुरू किया और उसी क्रम में 2018 में जब मैंने विधानसभा में क्वेश्चन लिया लगाया इसका जी। तो मेरे पास जवाब आया पीडब्ल्यूडी विभाग से और सेतु निगम से कि इस पुल पे 35,000 मात्र दोनों क्रॉसिंग पे क्षमता है यात्रियों की, जिससे 1 लाख से नीचे जब यात्री टीवी संख्या होती है तो वहाँ पे रेलवे अनुमति नहीं देता है पुल बनने के लिए।
तो फिर मैंने अपने वरिष्ठ विधानसभा के वरिष्ठ जो सहयोगी थे उनसे बातचीत की कि कैसे होगा भाई साहब, क्या होगा। तो उन लोगों ने कहा कि आप इसको जो है दोबारा गणना के लिए लिख दीजिए और यात्री संख्या की दोबारा गणना हो जाए। मैंने 19 में उसकी गणना कराने का काम किया और जब गणना हुई तो आप विश्वास करोगे कि दोनों क्रॉसिंग पे लगभग 3 लाख की क्षमता का TUV संख्या आई और DRM उत्तर पूर्वोत्तर रेलवे ने मुझे पत्र के द्वारा सूचित किया और दोनों क्रॉसिंग पे फ्लाईओवर बनाने के लिए अपनी ओर से उन्होंने सहमत दे दी। उसके बाद मैंने अपने उप मुख्यमंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करी, लेकिन तब तक 2020 का समय आ गया और 2020 में आप जानते हो कि कोरोना काल शुरू हो गया और उसके कारण वो विकास कार्य नहीं हो पाए। अभी हाल ही में इसी महीने में 21 तारीख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी यहाँ सीतापुर जनपद आए थे और मैंने उनको ये अवगत कराया कि भाई साहब मेरी दोनों फ्लाईओवर की फाइलें वित्त विभाग में हैं और कम से कम आप एक की तो घोषणा करके यहाँ जाओ जी। और वो घोषणा उन्होंने सहर्ष की। मैं अपने माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को और जनता की आवाज़ को रखने का काम किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों फ्लाईओवर की फाइलें हमारी वित्त विभाग में हैं और जल्द ही वित्त विभाग से स्वीकृत होने के बाद दोनों फ्लाईओवर के पुल की मैं अपने उप मुख्यमंत्री जी से संभवतः अक्टूबर में हर हाल में शिलान्यास कराने का काम करूंगा और शिलान्यास होते ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि भाजपा सरकार में घोषणा या शिलान्यास होने के बाद कोई काम पेंडिंग नहीं रहता है, क्योंकि सपा के कार्यकाल में भी जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने घोषणा करी थी या कुछ शिलान्यास करके काम आधे अधूरे काम छोड़ दिए थे, उन सबको पूरा कराने का काम हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारी सरकार ने उनको पूरा कराने का काम किया है। विधायक जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में यदि आपको जनता आशीर्वाद या मौका देती है तो इस बार आप क्या क्या मतलब मुद्दों पे आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, माननीय मोदी जी के, माननीय योगी जी के सिपाही हैं और माननीय मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको पूरा करते हुए मैं जो भी छूटे हुए विकास कार्य हैं, जैसे कि मैंने अपनी विधानसभा में एक स्टेडियम का प्रस्ताव किया हुआ है, एक डिग्री कॉलेज का प्रस्ताव किया हुआ है और नगर पालिका की सीमा विस्तार का काम भी मैंने किया हुआ है, ये सारे काम जो अधूरे रह जाएंगे, बिस्वा सिधौली रोड का चौड़ीकरण का काम भी माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने अभी घोषणा की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2022 के चुनाव के पहले ही चौड़ीकरण का काम तो ज़रूर पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा जो अन्य कार्य हैं उनको भी मैं पूरा कराने का काम करूँगा, क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि दवाई, पढ़ाई और रोजगार से संबंधित जो भी चीज़ें हैं इनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और आज समाज में हर किसी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। विधायक जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि आपको जनता, बिस्वा की क्षेत्र की जनता आपको आशीर्वाद देगी? बिल्कुल देगी, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 2017 के चुनाव में जब मैं आया था यहाँ तो मेरा काम लोगों ने नहीं देखा था मेरी पार्टी के प्रति, और एक नए प्रत्याशी होने के कारण मुझ पर विश्वास किया था और बिस्वा विधानसभा जिताने का काम किया था। मेरा काम देखने के बाद मेरी बिस्वा विधानसभा में अभी लोकसभा के चुनाव में गठबंधन के बावजूद हमारी पार्टी लगभग 10,000 वोटों से जीती है। मैं
समझता हूँ कि वो मुझको लगभग 81,000 वोट मिला था विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी को 97,000 वोट उसी बीसवां विधानसभा मिलने का काम हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो 15,000 वोट बढ़ा है, ये 16,000 वोट ये मेरे काम का प्रतिफल था। और निश्चित रूप से मैंने ये जो काम अभी अभी किए हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है रोड की और पुल की, और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि बीसवां विधानसभा में जून 30 को माननीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा 220 केवी का पावर हाउस हमारे यहाँ कौरासा में शिलान्यास किया गया है। और 220 केवी का पावर हाउस आज़ादी के बाद से अब तक पूरे सीतापुर जनपद में मात्र एक पावर प्रोजेक्ट था जिससे बिजली की सप्लाई होती थी। अब ये दूसरा पावर प्रोजेक्ट मैंने लगवाने का काम किया है और ऊर्जा मंत्री जी ने स्वयं शिलान्यास के समय घोषणा की थी कि इस पावर प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद लगभग साल भर में ये पावर प्लांट काम करने लगेगा। पूरा होने के बाद सीतापुर जनपद में ही नहीं, सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहाँपुर में जो ये विद्युत कटौती होती है, लो वोल्टेज की समस्या है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और जनपद सीतापुर में सिदौली, बिसवां और महमूदाबाद, इन तीन तहसीलों में डबल लाइन से सप्लाई शुरू हो जाएगी जिससे कि बिजली की जो समस्या है वो पूरी तरह से समाप्त होने का काम होगा। इसी तरह से मैं उद्योग के क्षेत्र में भी मेरा प्रयास है कि हमारी जो कमलापुर में चीनी मिल थी वो बंद पड़ी है, सपा के शासनकाल में बंद हो गई थी, मैं उसको भी अपने अगले कार्यकाल में, हो सकता है इसी कार्यकाल में नवंबर में अगले सीजन में चालू हो जाए, लेकिन अगर बाय चांस ना चालू हो पाई तो अगले कार्यकाल में निश्चित रूप से चालू कराने का काम करूंगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। सुनील जी, यादव जी, आप एक उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, सीतापुर से रिलेटेड सवाल है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में सीतापुर से भारतीय जनता पार्टी कितनी विधानसभा सीटों से जीत सकती है? अब ये तो आपने बड़ा टेढ़ा सवाल पूछ लिया, भविष्य के गर्त में क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिपाही होने के नाते मैं तो ये कहूँगा कि मैं 9 की 9 विधानसभा जीतने का काम करूँगा। हमारी पार्टी 9 की 9 सीटों पे अपना परचम लहराएगी। तो देखा आपने, विधायक जी ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि उनके कार्यों को देखते हुए इस बार भी जनता उनको संपूर्ण समर्थन करेगी। कैमरा पर्सन सीमन सिंह मिश्रा के साथ सुनीश तिवारी, माई भारत, सीतापुर।